यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भारत की, जहां पर से ऑफिसर्स को डायरेक्टली भर्ती किया जाता है ऑल भारत सर्विस और सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए ग्रुप ए और बी के तहत एग्जामिनेशन के थ्रू, और उन्हें अपॉइंट किया जाता है ऑफिसर्स को कई सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट ऑफ भारत के अंडर में आती है, और पर्सनल को मैनेज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग के तहत। एजेंसी के चेयरमैन ने भारत के संविधान को पार्ट 24 दिया है, जिसको टाइटल दिया गया है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। यूनियन और ऑल भारत सर्विसेज की सेवाओं में अपॉइंटमेंट्स के लिए कमीशन को संविधान द्वारा अनिवार्य किया गया है, और कई सारे मामले जैसे कि अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन और डिसिप्लिनरी मैटर्स जैसे मामलों में हमें गवर्नमेंट से परामर्श करना आवश्यक होता है। कमीशन रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को देता है, और फिर इसके थ्रू गवर्नमेंट को वह अपनी सलाह दे सकते हैं। हालांकि इस तरह की सलाह जो है वो गवर्नमेंट के लिए किसी भी तरह की बाध्यकारी नहीं होती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होने के नाते यूपीएससी उन कुछ इंस्टीट्यूशन में से एक है जो दोनों फंक्शन के साथ काम करता है। मैं बात कर रहा हूँ ऑटोनॉमी और फ्रीडम की, कंट्री की हायर जुडिशियरी और इलेक्शन कमीशन के साथ। कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली धोलापुर हाउस में है, जो फंक्शन करता है अपने सेक्रेटरिएट की मदद से। और डॉक्टर सोनी 5 अप्रैल 2022 से यूपीएससी के चेयरमैन है, और 1 अक्टूबर 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन को स्थापित किया गया था, फिर बाद में से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से, और फिर भारत की गवर्नमेंट ने एक्ट 1935 की मदद से इसको दोबारा से नाम दिया था यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इंडिपेंडेंस के बाद से। पर अब आगे बढ़ने से पहले आप जरा यूपीएससी के इतिहास की भी बात कर लेते हैं। भारत में बेहतर सिविल सर्विस और रॉयल कमीशन की स्थापना जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1923 में की थी, चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड ली ऑफ फेरहम के अंडर में, और फिर भारतीय और ब्रिटिश सदस्यों की समान संख्या के साथ कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी 1924 में, जिसमें उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की सिफारिश की थी। पल्ली कमीशन ने इस प्रस्ताव के लिए कहा था कि भविष्य में 40% ब्रिटिशर्स होने चाहिए, इसमें 40% भारतीय होने चाहिए और 20% भारतीयों को प्रमोट कर देना चाहिए प्रोविंसिकल सर्विसेज के लिए। और इस सब के बदले में 1 अक्टूबर 1926 में सर रोज बेकर चेयरमैनशिप के अंडर में पब्लिक सर्विस कमीशन की सबसे पहली बार स्थापना की गई थी। पर पब्लिक सर्विस कमीशन को बहुत ही लिमिटेड एडवर्सरी फंक्शन दिए गए, जिसकी वजह से जितने भी नेता और स्वतंत्रता आंदोलन करने वाले थे उन्होंने इसके ऊपर जोर डाला, और इसका परिणाम ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ भारत एक्ट 1935 के तहत इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में बदल दिया गया, और फिर स्वतंत्रता के बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के तहत इसे संविधानिक दर्जा दिया गया था। अब जरा हम भारत के यूपीएससी के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की भी बात कर लेते हैं। हमारे संविधान के पार्ट 24 में आर्टिकल 315 से 323 तक टाइटल दिया गया है सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, जो प्रोवाइड करता है पब्लिक सर्विस कमीशन को, यूनियन को और हर एक स्टेट को। और एज पर आर्टिकल 315 के मुताबिक यूनियन लेवल पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परिकल्पना की गई थी, और यूपीएससी इन कुछ इंस्टीट्यूशन में से एक है जो ऑटोनॉमी और फ्रीडम जैसे फंक्शन दोनों के साथ काम करते हैं, कंट्री के हायर जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन के साथ। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के अपॉइंटमेंट के मुताबिक आर्टिकल 316 में जो चेयरमैन और दूसरे मेंबर होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और अगर किसी केस में जो चेयरमैन का ऑफिस है वो खाली हो जाता है तो फिर उसकी ड्यूटी परफॉर्म की जाती है कमीशन के किसी और मेंबर के द्वारा, जिसे अपॉइंट किया होता है प्रेसिडेंट ने। साथ में कमीशन के आधे से ज्यादा मेंबर वो लोग होते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है और काम करवाया जाता है किसी स्टेट की गवर्नमेंट के लिए या तो गवर्नमेंट ऑफ भारत के अंडर में कम से कम 10 सालों के लिए। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी मेंबर जो होता है वो 6 साल के टर्म के लिए अपने ऑफिस में आता है और काम करता है वहां पर, जिस दिन वह सबसे पहली बार आता है और जब तक वह 65 ईयर्स का नहीं हो जाता, जो भी पहले होता है। और आर्टिकल 318 जो है वह प्रेसिडेंट को ये सारी शक्तियां देता है कि जितने भी मेंबर होते हैं कमीशन के उन सब की शर्तें निर्धारित करने की शक्तियां देती है। आर्टिकल 319 के मुताबिक जो इंसान चेयरमैन के ऑफिस को संभालता है ऑफिस की अवधि समाप्त होने पर उसी ऑफिस में पुनः नियुक्त होने के लिए काबिल होता है, लेकिन कोई भी मेंबर चेयरमैन के अलावा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नेक्स्ट चेयरमैन बनने के लिए काबिल होता है। या तो वह चेयरमैन बन सकता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, नहीं तो उसे और कोई भी इंप्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, या तो वह गवर्नमेंट ऑफ भारत के अंडर में काम कर सकता है या फिर गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट के अंडर में काम कर सकता है। साथ में जो चेयरमैन होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का वो काबिल होता है कि वह चेयरमैन बन जाए या तो कोई दूसरा मेंबर जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हो। और अब यूपीएससी के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के रिमूवल और सस्पेंशन की बात करते हैं। आर्टिकल 317 के मुताबिक जो चेयरमैन और उसके जो मेंबर होते हैं पब्लिक सर्विस यूनियन कमीशन के, उन्हें हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा मिसबिहेवियर के चलते, और फिर प्रेसिडेंट ने जिसके ऊपर केस किया है सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठाएगी चेयरमैन और उनके मेंबर को, और उन्हें निकाल दिया जाएगा। और जब तक सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन और उसके मेंबर जो होते हैं कमीशन के, उन्हें सस्पेंड कर सकता है, और प्रेसिडेंट जो है वो कमीशन के मेंबर्स को और चेयरमैन को उनकी पोस्ट से हटा सकता है अगर वो इंसॉल्वेंट है तो, या फिर वो इंगेज हो गए किसी और ऑफिस में टर्म के लिए और वो पे करते हैं इंप्लॉयमेंट दूसरी ड्यूटीज के लिए उनके ऑफिस के लिए, और प्रेसिडेंट के ओपिनियन में जो ऑफिसर है वो बिल्कुल भी फिट नहीं है मेंटली भी और फिजिकली कि वो कंटिन्यू करे अपनी जॉब को।
चेयरमैन और कोई भी मेंबर जो है वो कोई भी ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता अपने प्रॉफिट के लिए, नहीं तो उसको मिसबिहेवियर के रूप में माना जाएगा। और अब यूपीएससी के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के फंक्शंस की बात करते हैं। आर्टिकल 320 के मुताबिक जो ड्यूटी होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कि वो कंडक्ट करे एग्जामिनेशन को और अपॉइंट करे सर्विसेज यूनियंस के लिए। अगर अनुरोध किया जाए तो फिर इसका जो फ्रेमिंग और ऑपरेटिंग स्कीम है वो ज्वाइंट रिक्रूटमेंट करता है किसी भी सर्विसेज के लिए, और ये 200 ज्यादा स्टेट्स के साथ भी ये कर सकता है। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कंडक्ट करेगा ये। नंबर एक, वो सभी मैटर जो रिलेट करते हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विस और सिविल पोस्ट के लिए। सिविल सर्विस और पोस्ट पर अपॉइंटमेंट्स करना, प्रमोशन और ट्रांसफर करना एक सर्विस से दूसरी सर्विस के लिए, ऐसे अपॉइंटमेंट्स प्रमोशन ट्रांसफर के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता। नंबर टू, सभी डिसिप्लिनरी मैटर्स सिविल सर्वेंट के सर्विंग सिविल कैपेसिटी के अगेंस्ट में आते हैं, जिसके अंदर मेमोरियल पेटिशन जैसे रिलेटेड मैटर्स आते हैं। नंबर थ्री, अगर कोई भी इंसान क्लेम करता है किसी भी सर्विंग ऑफिसर या फिर सिविल कैपेसिटी पर, तो फिर उस पर किसी भी कीमत पर डिफेंडिंग लीगल प्रोसीजिंग इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्शन डन किया जाएगा। प्योरिटिंग को पूरा किया जाएगा, एग्जॉक्शन को अपनी ड्यूटी के लिए पैसे दिए जाएंगे फंड ऑफ भारत से। नंबर फोर, अगर कोई भी इंसान सिविल कैपेसिटी पर काम करते समय इंजर हो जाता है तो फिर उससे पेंशन और अवार्ड मिलता है, या तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो उस अवार्ड के बराबर हो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ड्यूटी होती है कि कोई भी मामला जो उन्हें भेजा गया उसके ऊपर वे अपनी एडवाइस दे, पर प्रेसिडेंट ने कोई भी ऐसा रेगुलेशन स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ कोई भी मामले को डिस्कस करने की जरूरत है। और अब यूपीएससी के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के एक्सपेंसेस की बात करते हैं। आर्टिकल 322 के मुताबिक जो एक्सपेंसेस है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसके अंदर सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन पेएबल और रिस्पेक्ट आती है मेंबर और स्टाफ और कमीशन की, और ये सब चार्ज किया जाता है फंड ऑफ भारत से। और अब इस सब के बाद अब हम यूपीएससी के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के एक्सटेंशन ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। आर्टिकल 321 के मुताबिक ये एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा ताकि वो उनको एक्सरसाइजेस प्रोवाइड कर पाए और भी कई सारे फंक्शन यूपीएससी के लिए और सर्विसेज ऑफ द यूनियन के लिए। और अब यूपीएससी के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की रिपोर्टिंग की बात करते हैं। आर्टिकल 323 के मुताबिक ये यूनियन कमीशन की ड्यूटी होती है कि कमीशन के द्वारा जितना भी काम पूरा किया गया है उसकी एनुअल रिपोर्ट बनाए और प्रेसिडेंट को सबमिट करे। ऐसी रिपोर्ट मिलने के बाद प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के हाउसेस को कॉपी देता है उनके मेमोरेंडम के साथ, और उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए कहता है वो कारण बताओ जिसकी वजह से कमीशन ने हमारी एडवाइस एक्सेप्ट नहीं की। और अब यूपीएससी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कमीशन में भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं, और आमतौर पर कमीशन के साथ 9 से 10 मेंबर होते हैं चेयरमैन के साथ, और कोई भी मेंबर जो है वो 6 साल के टर्म के लिए अपने ऑफिस में रहता है, या तो 65 इयर्स की जब तक उसकी एज नहीं हो जाती तब तक वे अपने पद पर रहता है। चेयरमैन और कमीशन के मेंबर्स के टर्म्स और कंडीशन को सर्व किया जाता है और गवर्न किया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स के द्वारा रेगुलेशन 1969 से। और कमीशन के चेयरमैन और कोई भी मेंबर जो है वो भारत के प्रेसिडेंट को किसी भी समय अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। किसी भी ऑफिसर को उसके पद से निकाला जा सकता है अगर भारत के प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर मिसबिहेवियर का चार्ज लगाया हो, सिर्फ एक कंडीशन पर, अगर मिसबिहेवियर की इंक्वायरी जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या तो उसे इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, या तो वो इंसान किसी और ऑफिस का एम्प्लॉयमेंट पे करता है आउटसाइड ड्यूटी के लिए अपने ऑफिस के लिए, या तो प्रेसिडेंट की राय में वो इंसान जो है वो मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है इस पद के लिए। और अब यूपीएससी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के सेक्रेटरिएट की बात करते हैं। कमीशन को सेक्रेटरिएट के द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, और इधर चार तरह के सेक्रेटरी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज, द नंबर ऑफ जॉइंट सेक्रेटरीज, डेप्यूटी सेक्रेटरीज और सपोर्टिंग स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव उद्देश्य से हर एक सेक्रेटरिएट को अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है, और हर एक डिवीजन का अपनी एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें से सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरिएट के एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो देखते हैं पर्सनल मैटर जैसे कि चेयरमैन और मेंबर्स के, और कमीशन के दूसरे ऑफिसर और स्टाफ पर। नंबर टू, AIS में भर्ती जो है या तो डायरेक्टली की जाती है सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के थ्रू, या फिर स्टेट सर्विस जो है वो प्रमोशन करता है। AIS ब्रांच जो है वो संभालती है स्टेट सर्विस ऑफिसर्स के IAS, IPS, IFS जैसे प्रमोशंस को, और ये पॉलिसीज के मैटर जो रिलेट करते हैं AIS के साथ, और अमेंडमेंट करता है प्रमोशन, रेगुलेशन और रिस्पेक्टफुल सर्विसेज की। नंबर थ्री, अपॉइंटमेंट जो है वो सेंट्रल सर्विसेज पर आधारित प्रमोशन होते हैं जो मिनिस्टर, डिपार्टमेंट, यूनियन टेरिटरीज और भी कई सारी लोकल बॉडीज से आते हैं। इसका मतलब एक और होता है डेप्यूटेशन और अब्सॉर्प्शन। नंबर फोर, एग्जामिनेशन, भारतीय सरकार के ग्रुप ए और बी सर्विसेज में कई सारे एग्जामिनेशन है जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन, डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और ये सारी एग्जामिनेशन जो है वो कैंडिडेट की योग्यता को परखते हैं और इस तरह से उसका सिलेक्शन होता है। नंबर फाइव, जनरल प्राइमरी डील जो है वो दिन बर दिन की जाती है हाउसकीपिंग वर्क कमीशन के लिए, जैसे कि अरेंजमेंट और फैसिलिटीज जिससे कंडक्ट की जाती है एग्जामिनेशन यूपीएससी की, और प्रिंटिंग एनुअल रिपोर्ट एक्सेट्रा। नंबर सिक्स, रिक्रूटमेंट ब्रांच जो है वो डायरेक्टली रिक्रूट करती है तीन पॉसिबल मैकेनिज्म से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन और रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफर और परमानेंट अब्सॉर्प्शन। ये सारे सिलेक्शन जो है वो ग्रुप ए और बी में से किए जाते हैं सर्विसेज ऑफ द यूनियन के लिए और कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए, और रिक्रूटमेंट जो है वो किया जाता है सिलेक्शन इंटरव्यू और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के द्वारा। नंबर सेवन, रिक्रूटमेंट रूल जो कमीशन है वो मैंडेटरी करके रखता है अंडर आर्टिकल 320 जो भारतीय संविधान में है।
यूपीएससी के एग्जेम्पशन कंसल्टेशन रेगुलेशन जो है 1958 से, जो एडवाइस देते हैं फ्रेमिंग अमेंडमेंट की, रिक्रूटमेंट और सर्विसेज रूल्स की, जो ग्रुप ए और बी में है गवर्नमेंट ऑफ भारत से। और कई सारे ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन भी है जैसे कि ईपीएफओ, ईएसआईसी, डीजेबी, एनडीएमसी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। और ये ब्रांच जो है वो कैरी करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फैसिलिटेटिंग करने की मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को रिगार्ड देकर। नंबर 8 सर्विस वन हैंडल डिसिप्लिनरी केसेस को लिया जाता है मिनिस्टर, डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से ताकि कमीशन अपनी एडवाइस दे पाए आर्टिकल 323 सी के अंडर में। नंबर 9 सर्विस टू हैंडल जो है वो सारे केसेस लेती है जो सर्विस वन ब्रांच नहीं लेती है और उसकी एक एनुअल रिपोर्ट बनाती है। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेट करते हैं और विजिट करते हैं फॉरेन डेलीगेशन के साथ, कॉरेस्पॉन्ड करते हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ और होस्ट करते हैं इंटरनेशनल इवेंट जिसके अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन और SAARC और मेंबर स्टेट्स भी होते हैं। और अब यूपीएससी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के प्रेजेंट मेंबर्स की बात करते हैं। संस्थान में अभी के समय में तकरीबन 7 सदस्य हैं जबकि इसकी स्वीकृत संख्या जो है वो 10 है।